हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम किसी भी पोर्ट्रेट की आउटलाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का फर्स्ट स्टेप ही होता है इसका आउटलाइन ड्रॉ करना, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि अगर आप आउटलाइन सही से नहीं ड्रॉ करोगे, आप कितना भी अच्छा कलरिंग, कितना भी अच्छा शेडिंग कर लो, आपका आर्ट वर्क अच्छा नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और इसको बनाने का कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि फ्री हैंड टेक्निक, पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक और ग्रिड मेथड। तो आज के वीडियो में हम ग्रिड मेथड को डिस्कस करेंगे, और ये काफ़ी इजीएस्ट टेक्निक होता है, और इस तरीके का इस्तेमाल करके कोई भी 100% एक्यूरेसी के साथ आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, और कोई भी ग्रिड मेकिंग ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ पे ड्रॉ इजी ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ, देन ओपन कर लेंगे और यहाँ से न्यू फोटो चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे पेपर साइज़ में जाके आप जिस भी पेपर के ऊपर काम करना चाहते हो उसका साइज सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कोई भी ड्राइंग कॉपी यूज़ करते हो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपका ड्राइंग कॉपी का जो पेपर है उसका हाइट और विड्थ स्केल से मेज़र कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हाइट और विड्थ जो ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पे जाके आपका जितना भी हाइट और जितना भी विड्थ आया है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे A4 साइज़ का ही पेपर यूज़ करूँगा। देन आप ओरिएंटेशन में जाके उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। देन चूज इमेज में जाके आप रेफरेंस पिक्चर को अपनी गैलरी से चूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रिड साइज में जाके आपके अकॉर्डिंग साइज चूज करना है। मैं यहाँ पे 30 मिलीमीटर का साइज ही ले लूँगा, और देन फोटो को सेव कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो फोटो के ऊपर पूरा ग्रिड तैयार हो चुका है। आप पेपर में भी ऐसा ही ग्रिड क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ 30 मिलीमीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर की गैप में पॉइंट ले लेंगे। सिमिलरली नीचे भी 3 सेंटीमीटर के गैप में पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे मैं 3 सेंटीमीटर की गैप ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रिड साइज में 30 मिलीमीटर अर्थात 3 सेंटीमीटर ही चूज़ किया था। अब दोनों साइड के पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे और लाइन को थोड़ा लाइट प्रेशर के साथ अप्लाई करेंगे, क्योंकि आउटलाइन होने के बाद लाइन को इरेज भी करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली पेज के लेफ्ट और राइट साइड में भी 3 सेंटीमीटर के गैप में पॉइंट लेके हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे पेज के ऊपर ग्रिड्स तैयार हो चुके हैं, और अब रेफरेंस पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करके देखना है कौन से बॉक्स में आईज है, नोज है, कौन से बॉक्स में लिप्स है, वो देख के पेज के ऊपर सेम बॉक्स में ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे आउटर मोस्ट लाइन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, और देखिए आगे मैं कैसे पूरा आउटलाइन को कंप्लीट करता हूँ। और आप भी इस तरीके का यूज़ करके आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके बहुत जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी तरीका होता है आउटलाइन ड्रॉ करने का। तो देखते रहिए वीडियो को।